हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहाँ पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम इन दिनों अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिन पहले किसी का भाई किसी की जान का लुंगी सॉन्ग यानी कि अंतम्मा रिलीज हुआ था। सोशल मीडिया पर सलमान का अंतम्मा गाना जमकर धूम मचा रहा है, लेकिन अब इस गाने को लेकर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने किसी का भाई किसी की जान के अंतम्मा सॉन्ग पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस गाने में साउथ इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक्स क्रिकेटर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये काफी मजाक उड़ाने वाला और हमारी साउथ इंडियन कल्चर का अपमान करने वाला है। ये लुंगी नहीं है, ये धोती है, एक क्लासिक पहनावा है जिसको इस गाने में बेहद बेहुदा और खराब तरीके से पेश किया गया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स में से एक हैं जो हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हालांकि पिछले काफी टाइम से एक्टर की बैक टू बैक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, वहीं अब अपने वर्ल्ड टूर द एंटरटेनर्स के दौरान अमेरिका में सोनम बाजवा और मौनी रॉय के साथ स्टेज पर शर्टलेस होकर डांस करने के लिए जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक्टर के फैंस ने उनका पूरा सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अक्षय कुमार को स्टेज पर मौनी रॉय और सोनम बाजवा के साथ शर्टलेस होकर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही नेटिजंस ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जहां कुछ फैंस इस उम्र में अक्की की फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं नेटिजंस के एक सेक्शन ने एक्टर को बेशर्म तक कह दिया। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं और अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इसी के साथ प्रियंका लगातार अपनी बेटी मालती की प्यारी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस की नन्ही परी ने इस साल अपना पहला ईस्टर सेलिब्रेट किया था। इस मौके पर प्रियंका ने अपने इंस्टा पर मालती मैरी के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान फिलहाल पठान की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में किंग खान अपनी क्रिकेट टीम को विराट कोहली की टीम के खिलाफ खेलते देखने के लिए कोलकाता भी गए थे। इस दौरान शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ स्पॉट किए गए थे। स्टेडियम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गए हैं। वहीं मैच के बाद बॉलीवुड के बादशाह ने कोलकाता में एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और फैंस किंग खान की काफी तारीफ कर रहे हैं। दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनका कहना है कि आज भी अमिताभ बच्चन को रोल मिल रहे हैं, उनके लिए रोल लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेसेस को वैसा रोल नहीं मिलता है। हेमा मालिनी इस बात से सहमत नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने फीमेल एक्टर्स को बेहतर रोल और अच्छे मौके दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि आजकल मौके कहाँ हैं, यहाँ तक कि आज भी एक्ट्रेसेस को स्पेशल रोल नहीं मिलते, वो मेल एक्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। अमिताभ बच्चन को आज भी इतने बड़े बड़े रोल्स मिल रहे हैं, खास उन्हीं के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन आज तक एक्ट्रेसेस के लिए ऐसे खास रोल नहीं लिखे गए। अगर कोई उन्हें ध्यान में रखते हुए रोल लिख सकता है तो अच्छा होगा। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर फिटनेस फ्रीक सितारों में से एक है। अनिल कपूर को देखकर लगता है कि उनकी उम्र बढ़ नहीं बल्कि घट रही है। अब एक्टर ने अपने वर्कआउट का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। अनिल कपूर ने माइनस डिग्री टेम्परेचर में एक्सरसाइज की है। अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो वीडियोज पोस्ट किए हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिल कपूर -110 डिग्री सेल्सियस तापमान में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऑक्सीजन मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर संडे को लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की थीं। करीना की फोटोज ईस्टर सेलिब्रेशन के दौरान की हैं। फोटोज में करीना के बेटे तैमूर अली खान, पति सैफ अली खान, छोटे बेटे जहांगीर, सोहा अली खान की बेटी नाया के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ करीना ने फैंस को ईस्टर की शुभकामनाएं दी थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। बीते समय अमिताभ बच्चन के लिए कुछ खास नहीं गुजरा। पिछले महीने की शुरुआत में बिग बी को उनकी आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लगी है, जिसको लेकर फिलहाल अमिताभ बच्चन रिकवरी पीरियड पर हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन की हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, जिसे ये कहा जा सकता है कि फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग में अभी देर हो सकती है। खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि अभी अमिताभ बच्चन की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, रिकवरी काफी धीमे तरीके से चल रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द शूटिंग पर वापस आना चाहते हैं।
मलाइका अरोड़ा को देखते ही फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके साथ सेल्फीज और तस्वीरें लेने के लिए बेकाबू दिखाई देते हैं। अब एक बार फिर से मलाइका का नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स का हाथ लगने से मलाइका अरोड़ा का मोबाइल गिर जाता है। दरअसल हाल ही में मलाइका गीता कपूर और कुछ लोगों के साथ मुलाकात में स्पॉट हुई थी, जहाँ का ये वीडियो है। कपिल शर्मा अपनी हाजिर जवाबी और ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। द कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन अपनी बातों से दर्शकों को खूब एंटरटेन करते हैं। अब उनके शो में कुछ क्रिकेटर्स अपनी पत्नियों के साथ पहुंचे। कपिल शर्मा के लेटेस्ट एपिसोड में क्रिकेटर सुरेश रैना पत्नी प्रियंका, आकाश चोपड़ा पत्नी आशी माथुर और दीपक चहर पत्नी जया के साथ पहुंचे। शो में इन क्रिकेटर्स ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी सुनाए, जिनमें से कुछ चौंकाने वाले थे। आज मैं पूरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।